आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। 2024 चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग कोशिश में जुटी हुई हैं और अब इसी कोशिश में बीजेपी की कोशिश कहीं आगे नजर आती है। हालांकि बीजेपी के लिए कहा भी जाता है, जो भी सियासी जानकार हैं वो बताते हैं कि चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा हो, जो बीजेपी है वो ग्राउंड पर जाकर काम करती है और अब उसका नतीजा ये है कि बीजेपी के रिजल्ट बेहतर रहते भी हैं और बीजेपी अब जो ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच काम करती है बताती है। और ये जताना जरूरी होता भी है कि ये योजनाएं आपके हित में चलाई गई, इन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, आगे अगर आप हमें मौका देते हैं, हम पर विश्वास दिखाते हैं तो इस तरीके से आपके साथ हम मिलकर आगे काम किया जाएगा, ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की है। हाल ही में 9 साल मोदी सरकार ने पूरे किए हैं और इसी को लेकर महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया गया, लोगों के बीच में जाकर बड़े चेहरे यानी कि विधायक और सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई थी। खुद पीएम मोदी भी मंच से ये कहते हुए अलग अलग जगह नजर आए कि मोदी सरकार में क्या काम हुआ है पिछले 9 साल में। अभी तक कांग्रेस की अपनी तैयारी है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में हर वर्ग के हर उम्र के लोग उनके साथ चलते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी अभी हाल ही में मणिपुर भी गए थे, तब ये भी सवाल उठने लगे कांग्रेस नेताओं के जरिए कि आखिर पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, जहां पर दंगे भड़कते हैं, जहां पर लोगों की जान जा रही है। अभी हाल ही का अपडेट यह है कि मणिपुर में 10 जुलाई तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि ये हिंसा बवाल के जो वीडियोज हैं सर्कुलेट होकर और ज्यादा स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इन सबके बीच में जो ट्वीट किए जाते हैं, जो ट्विटर वॉर चलता है वो अलग अंदाज में चलता है। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है और अब कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है इसमें कांग्रेस दावा कर रही है 2024 में मोहब्बत की ताकत के साथ जीतने की, यानी कि ये जो वीडियो है, हालांकि एनिमेटेड वीडियो है, थोड़ा मजेदार भी लगेगा आपको। मोहब्बतें फिल्म आपको याद होगी जिसमें शाहरुख खान मोहब्बत की तरफदारी करते हैं और अमिताभ बच्चन मोहब्बत कतई पसंद नहीं करते हैं, उसमें वो जो लीव्स उड़ती हुई नजर आती हैं, यानी कि जो मोहब्बत फिल्म में पत्ते हवा के साथ उड़ते हुए नजर आते हैं, उसने बड़े पर्दे पर बड़ा जादू दिखाया था और वो जो म्यूजिक था वो कानों में बड़ा घुलता था और वो जो पिक्चराइजेशन था वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। ये जो एनिमेटेड वीडियो है इसमें भी उन पत्तों का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा थोड़ा धुन भी आपको कुछ वैसी ही सुनाई देगी जैसे मोहब्बतें मूवी में सुनाई देती है। और यहाँ राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है, एनिमेटेड ये वीडियो है। ये वीडियो मैंने देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एंजॉय कीजिए, जिस अंदाज में वीडियो बनाया गया है उसी अंदाज में एंजॉय कीजिए। बाकी आपकी सोच क्या है 2024 के चुनावों को देखते हुए बताइएगा।